हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने गूगल पे ऐप के ऊपर ना अपना ये गूगल पिन यानी कि 4 डिजिट का जो गूगल पिन होता है उसे आप कैसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये गूगल पिन किस तरीके से काम करता है इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो को आखिर तक ध्यान से जरूर देखिए। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले ये समझा देता हूँ, ये देखिए मेरा गूगल पे ऐप है, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं गूगल पे ऐप है, और यहाँ पर जो है ना गूगल पे ऐप में देखिए आपको गूगल पिन सेट करने के लिए आपको जो है करना क्या, देखिए आप यहां पर जो है ना मैं स्टार्टिंग से बताता हूं। मैं अपने गूगल पे ऐप को यहां पर ओपन कर लेता हूं, फिर से स्टार्टिंग से गूगल पे ऐप को मैंने ओपन किया। अब यहां पर आपको जो है ना ऊपर की साइड ये प्रोफाइल पिक्चर होती है आपकी, इसे आपको ओपन करना है प्रोफाइल पिक्चर को, ठीक है। अब इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये सेटिंग पे आपको टैप करना है, ठीक है। अब यहां पर आपको ये प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलता है, इसे टैप करना है। और यहां पर आपको ये ऑप्शन मिलता है इनेबल ऐप लॉक, ठीक है। इनेबल ऐप लॉक के सामने वाला बटन आपको टैप करना है, तो आपका ये वाला पेज आएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको नीचे की साइड ये दो ऑप्शन मिलते हैं इस ऐप लॉक में, यानी कि आप गूगल पे ऐप होता है ना, गूगल पे का ऐप लॉक आप लगा सकते हैं, या तो आप अपने मोबाइल फोन का स्क्रीन लॉक आप लगा सकते हैं अपने गूगल पे पे, ठीक है। या फिर आप जो गूगल पिन भी आप यूज कर सकते हैं अपने गूगल पे पे लॉक लगाने के लिए, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर आपको करना क्या है, सबसे पहले आपका ना मोबाइल फोन का इंटरनेट आपका यहां पे चालू रहना चाहिए, ठीक है ना। यहां पर लिखा हुआ भी है नीड्स इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। अब आपको नीचे की साइड ये यूज योर 4 डिजिट गूगल पिन के सामने वाले सर्कल पे टैप करना है, तो यहां पर आपका राइट क्लिक लग जाएगा। इसके बाद आपको नीचे की साइड ये कंटिन्यू का ऑप्शन टैप करना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपका ना ये पेज आएगा, ठीक है। इसमें देखिए यहां पे लिखा हुआ है एंटर गूगल पिन, ठीक है, गूगल पिन एंटर करना है। और यहां पर आपकी जीमेल आईडी आपको लिखी हुई दिखाई देगी, जो जिस जीमेल आईडी से आपने अपने गूगल पे को लॉगिन कर रखा है वो वाली जीमेल आईडी आपको यहां पे दिखाई देगी, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये जीमेल आईडी का, अब देखिए यहां पर आपको ना एक कोई भी जो है ना 4 डिजिट का यानी कि 4 अंकों का गूगल पिन यहां पर आप कोई सा भी सेट कर लीजिए, जरूरी नहीं है। देखिए ये आपका यूपीआई पिन बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है ना। यूपीआई पिन यहां पर नहीं डालना है, यूपीआई पिन अलग होता है, ये गूगल पिन अलग होता है। गूगल पिन यहां पर आप एक नया बनाएंगे तो आप कोई सा भी गूगल पिन यहां पर रख सकते हैं, जो भी आपको इजीली लगे, ठीक है ना। तो यहां पर दोस्तों मैं यहां पर अपना एक गूगल पिन यहां पर डाल देता हूं, ठीक है। दोस्तों यहां पर मैंने गूगल पिन एंटर कर दिया, और यहां पे देखिए गूगल पिन इनेबल भी हो चुका है, ठीक है, यानी कि 4 अंक मैंने यहां पे डाल दिए थे। और यहां पर जो है ना इस तरीके से ये फिर से हम उसी पेज में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों अब यह गूगल पिन ये कैसे काम करता है ये मैं आपको समझाता हूं। देखिए दोस्तों यहां पर जो है ना हम अपने ये देखिए इनेबल भी हो चुका है, ये इनेबल ऐप लॉक ये ब्लू बटन में इनेबल भी हो चुका है, ठीक है ना। अब यहां पर दोस्तों यहां पर जो है ना अब हम जो है इसे अपने गूगल पे ऐप, ये जो हमारा गूगल पे ऐप है इससे हम बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। और हम इस गूगल पे ऐप को कट कर देते हैं इसे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगर आप कभी भी अपने गूगल पे ऐप को ओपन करेंगे ना गूगल पे को, तो इस तरीके से आपको जो है सामने की तरफ ये गूगल पिन आपका लगा हुआ दिखाई देगा, ठीक है, यानी कि एक तरीके से आपका ये गूगल पे का ऐप लॉक है, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों आपको वही पिन एंटर करना है जो आपने सेट किया था, ठीक है ना। तो यहां पर मैं वीडियो को स्टॉप करके यहां पर जो है ना आपको ओपन करके दिखाता हूं, ठीक है ना। तो दोस्तों यहां पर मैंने गूगल पिन जैसे एंटर किया मेरा गूगल पे ऐप ओपन हो गया, ठीक है ना। तो दोस्तों यहां पर मैं जो है गूगल पिन यहां पर दिखाना नहीं चाहता था, क्योंकि देखिए प्राइवेसी की सिक्योरिटी के लिए मैंने अपना जो है वीडियो स्टॉप करके गूगल पिन एंटर किया था, ठीक है ना। तो दोस्तों कभी भी आप गूगल पिन आप सेट करते हैं तो आपको किसी को बताना भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, ये हमारा जो है ना यूपीआई पिन बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहां पर जो है ना गूगल पिन इस तरीके से आप जो है सेट कर सकते हैं, ठीक है, एक तरीके का गूगल पे का ऐप लॉक होता है। और दोस्तों आने वाली वीडियो में मेरी कंटिन्यू अगर आप वीडियो देखते हैं तो आने वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप इस गूगल पिन को, यानी कि अगर मान लीजिए कि आपका ये जो गूगल पिन है अगर आप इसे भूल जाते हैं गूगल पिन को, ठीक है, तो यहां पर देखिए अगर आप गूगल पिन को भूल जाते हैं तो गूगल पिन को आप दोबारा से मतलब रीसेट कैसे कर सकते हैं, आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। तो मेरी आने वाली वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है ना।